हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अभी लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च हुआ था लास्ट मंथ, उसकी शॉर्ट्स तो आपने देख लिए होंगे, बट इसका हम थोड़ा सा एक रिव्यू करेंगे। काफ़ी 10-15 दिन हो गए हैं फ़ोन को यूज़ करते हुए। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से कि क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसा ये फ़ोन है, तो फटाफट से गाइस इसका बॉक्स खोलते हैं। तो आपको ने जैसे देख ही लिया, ये पोको अनबॉक्सिंग एक्चुअली पहले ही आजकल हो जाती है। फ्लिपकार्ट जो ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, तो वो जो कोरियर बॉय होता है वही कोरियर खोल के आपको फ़ोन चेक करवाता है कि कोई फ़ोन में डैमेज तो नहीं है, अदरवाइज़ आप डिलीवरी मत लें। तो गाइज ये पोको F5 5G की हम आज अनबॉक्सिंग लाइट अनबॉक्सिंग करेंगे। लाइट अनबॉक्सिंग मतलब कि हम अनबॉक्सिंग तो पहले कर चुके हैं, बट फिर भी आपके साथ एक एक इसका पल जो है वो शेयर करेंगे और इसके 10 जो फीचर्स हैं वो आपके साथ एक एक करके सारे चीज़ें इसमें बताएंगे कि क्या क्या है। तो गाइज पहले बॉक्स पे नज़र मारते हैं। देखिए ये पोको F5 5G मेड इन इंडिया ब्रांड, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है बट बना तो आई थिंक चाइना में होगा ये। ओके, तो गाइस ये बॉक्स पे नज़र मार लेते हैं। ये पोको F5G का स्नो स्टॉर्म वाइट फ़ोन है। 8 GB रैम, 256 GB इसकी हार्ड डिस्क है और इसमें आपका ये अप्रैल 2023 की मंथ की मैन्युफैक्चरिंग है, आप देख पा रहे होंगे इसमें। और MRP इसमें 34,999 लिखा हुआ है और ये इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं यहाँ पर। और ये कुछ फीचर्स इसमें दिए हुए हैं आपको पोको F5 के, जिसमें स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2 प्रोसेसर है, 4nm फ्लैगशिप 5G प्रोसेसर और एमोलेड 120Hz रियलिटी फ्लो, 120Hz एमोलेड डिस्प्ले है, डॉल्बी विजन और 64MP मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन OIS के साथ और ये सारा यहाँ पे 567W टर्बो चार्जिंग है और डुअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस्फेयर, 68.7 बिलियन कलर्स। ये सारे आपके साथ एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, पहले फोन को खोलते हैं हम फटाफट से। तो गाइस हम बॉक्स ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें ये इसका टूल किट आती है, सिम टूल किट, और इसमें अंदर इसका कवर दिया गया है। कवर के साथ इसके डॉक्यूमेंटेशन जो कोई पढ़ता नहीं है, और ये इसका कवर है गाइस, तो साइड पर रखते हैं। और ये फ़ोन है, फ़ोन भी देखेंगे अभी क्या क्या है इसमें, साइड पर रखते हैं और बॉक्स में देख लेते हैं क्या है। बस 67W का ये चार्जर है और डिज़ाइंड बाय शाओमी लिखा हुआ है इसमें, और ये ऐसा कुछ USB टाइप है और ये इसकी डाटा केबल है गाइस, टाइप सी डाटा केबल है, टाइप ए एंड दूसरी तरफ से टाइप सी है। तो गाइस ये सारा कुछ हम साइड पे रखते हैं और एक फ़ोन पे नज़र मारते हैं। तो गाइस ये फ़ोन है और कुछ ऐसा ये फ़ोन दिखता है, एकदम देखो स्लीक है, फ्लैट, यहाँ से कोई राउंड नहीं है। और ये इसके कैमरा सेटअप है, आप देख पा रहे होंगे इसमें 64 MP कैमरा लिखा हुआ है और यहाँ पर पोको 5G की ब्रांडिंग है। और इस साइड से देखिए यहाँ कुछ नहीं है और ऊपर की तरफ 3.5 mm जैक है और स्पीकर है और इसका ये IRR वाला भी है, यहाँ पर IRR का भी इसमें फैसिलिटी है,
रिमोट की तरह भी काम कर सकता है ये। और यहाँ पर इसका वॉल्यूम रॉकर आ जाता है और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। और नीचे की तरफ गाइस ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, माइक है और स्पीकर है और ये सिम है। तो गाइस इसका सिम भी खोल कर देखते हैं कि सिम कैसा, सिम की ट्रे कैसी है। इसका डुअल सिम स्लॉट है, नैनो दो छोटे छोटे सिम डलते हैं इसमें। आई थिंक मैंने सिम डाले हुए हैं अभी, मैं आपको फिर भी चेक करवा देता हूँ खोल कर। माइक में डाल दिया। तो गाइस ये देखिए सिम, डुअल सिम स्लॉट है, नैनो सिम आप देख पा रहे होंगे। ये देखो मैंने सिम डाले हुए ऑलरेडी इसमें ना। तो गाइस ऐसी इसकी सिम ट्रे है, मैं इसको वापस डाल रहा हूँ अब। तो गाइस देखिए ऑन हमने कर लिया फोन को, और इसकी सेटिंग में आकर देखते हैं हम कि क्या क्या है। 10 जो मैं इसके बता रहा था फीचर्स, वो अभी हम एक एक करके बताएंगे कि क्या क्या है, कि क्या इसमें 10 फीचर्स हैं, कैसे फ़ोन रीसेट करते हैं वो सब आपको आता है। हम सीधा ये अब फ़ोन मैं ऑलरेडी रीसेट कर चुका हूँ, तो अब हम सेटिंग में जाकर इसका अबाउट फ़ोन देखेंगे। तो गाइस ये देखिए MIUI वर्ज़न इसका 14 है ऑलरेडी। डिवाइस नेम आपके पास आ रहा है, देखो 256 GB इसकी स्टोरेज है, ठीक है। 13 एंड्रॉयड 13 इसके अंदर ऑलरेडी आ रहा है। 8 GB रैम है, आप 3 GB रैम तक इसको प्लस कर सकते हैं। और सबसे पहला जो इसका था स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के बारे में बात कहूँ, तो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इसका 7 प्लस जेन 2 प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर मैक्स 2.91 GHz के साथ ये इसका प्रोसेसर है, जो उस पर बना हुआ है। 8 Gen 1 जैसे प्रोसेसर है उस प्रोसेसर पर बना हुआ है। और गाइस काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये जो फ़ोन है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं पोको के, इसका मदरबोर्ड उड़ जाता है। तो आई थिंक एक बार आप चेक करना है, इसमें 2 साल की वारंटी दी हुई है। इसके जो मतलब फ़ोन है, जो पोको के फ़ोन है उसमें 2 साल की वारंटी है, कुछ भी अगर इसका प्रोसेसर वगैरह ख़राब होता है तो 2 साल आई थिंक बहुत होते हैं उसमें अगर आपको वारंटी मिल जाती है। बट एक बार आप फिर भी चेक कर लेना, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। और 6 मंथ की इसकी एसेसरीज़ की वारंटी है। तो ये प्रोसेसर हो गया आपका पहला। और दूसरा जो इसका डिस्प्ले है, तो गाइस वो 120 Hz डिस्प्ले है, जिसमें 12-bit डिस्प्ले बोलते हैं। और इसमें 68.78 बिलियन कलर हैं, जिसमें अगर डिस्प्ले की बात करें 120 Hz डिस्प्ले है, 120 Hz का एमोलेड डिस्प्ले है गाइस इसका, जो आप यहां से अपना इसकी सेटिंग में जाकर अपना रिफ्रेश रेट चेक कर सकते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट मैंने अभी सेट किया हुआ है इसमें, बट आप कस्टम में जाके इसको 60 Hz या 120 Hz पे सेट कर सकते हैं। तो गाइस इससे पहले मैं Xiaomi 11i का फ़ोन यूज़ कर रहा था, उसमें क्या होता था जब भी हम जैसे स्क्रॉल करते थे तो वो कई बार जैसे स्क्रॉल नहीं होता था। इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ये एकदम से आपके साथ साथ जैसे भी आप करोगे वैसे स्क्रॉल हो जाता है। तो गाइस इसका डिस्प्ले में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है इसका 2x लॉस जूम। तो अगर आप वीडियो ले रहे हैं तो अगर आप इसको 2x भी करते हैं तो जूम में कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फोर्थ है 64 MP का AAA कैमरा है, ये आपके कैमरा देख रहे हैं पीछे। और गाइस सबसे पहले ये डिज़ाइन देखिए, इसमें स्नो वाइट स्टॉर्म का डिज़ाइन है, जो आपको ऐसे टेक्सचर में ये दिख रहा होगा जैसे ऐसे लाइट पड़ रही है, जो एक अलग ही लुक देता है गाइस ये। तो गाइस ये फ़ोन जो है एकदम लुक में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और आप देख सकते हैं। और फोर्थ था इसका, फिफ्थ आ जाते हैं हम इसकी स्टोरेज में। स्टोरेज इसकी UFS 3.1 पे है, जो आपको मैं पहले भी बॉक्स में लिखा हुआ है।
जिससे क्या रहता है कि स्पीड ज़्यादा रहती है। और रैम जो है इसकी LPDDR5 रैम है जो लेटेस्ट आजकल सभी फ़ोनों में आती है। और सेवन्थ हम आ गए हैं इसमें 120 Hz एमोलेड डिस्प्ले, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसकी जो बैटरी है इसकी बैटरी 5000 mAh की बैटरी है इसमें। और गाइस सबसे पहले जो इसका जो बैटरी बैकअप है एक दिन के लिए काफ़ी है 5000, मैं इससे पहले वो 5100 समथिंग थी शो में, तो वो भी शाम को चार्ज करना पड़ता था, वो उतना ही 5000 में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और जो अब इसका 9th पॉइंट जो है वो इसमें 3725 mm स्क्वेयर का वेपर चैम्बर है कूलिंग के लिए। तो गैस क्योंकि एक तरह से गेमिंग फ़ोन भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो एंड टू स्कोर है, अंत टू स्कोर जिसे बोलते हैं हम, वो 9.5 लाख तक है इसका। क्योंकि ये प्रोसेसर एक 8th Gen 1 के उस पर बेस्ड है, 7+ Gen 2 प्रोसेसर है। तो ये एकदम जो प्रोसेसर है इसका सबसे बढ़िया है। और अभी तक मुझे इसमें, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। Android 13 चल रहा है इसमें और प्रोसेसर इसका आप देख रहे हो, देखो 7+ Gen 2 का प्रोसेसर है। और इसमें आपको कूलिंग के लिए वेपर चैम्बर भी दिया हुआ है, तो इतना ये कोई ऐसा हीट नहीं होता गेम खेलते वक्त। अब 9.5 लाख का एंट्रू स्कोर है, तो गाइस पबजी वगैरह तो ज़बरदस्त चलती है इसमें। और सबसे एक 10th जो पॉइंट है इसका, इसमें कैमरे में आपको 7 फिल्म कैमरे दिए हुए हैं। अगर आप कैमरा देखोगे तो इसमें एक ये देखो मोर करके ऑप्शन है, तो गाइज इसका कैमरे में जैसे आप देखो 1080 30 FPS पे, 1080 60 FPS और 4K FPS पे वीडियो बना सकते हैं। जो वीडियो आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको, 4K FPS पे वीडियो बना सकते हैं आप, ये आप ये देख पा रहे होंगे इसमें, आपको दिख रहा होगा। तो और जो इसमें फ़ोटो जो हैं वो HDR खींच सकते हैं फ़ोटो इसमें। तो गाइज ये 10 फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए इसके। और फ़ोन आप देख ही सकते हो कि लुक वाइज में कोई, और अब ये प्राइस की बात करते हैं इसका कि मुझे कितने का पड़ा अराउंड। तो गाइज ये आपको बॉक्स में, जैसा कि आपने देखा होगा, तो बॉक्स में आपको 34999 का है, बट इसका मैंने Xiaomi 11i जो है वो जो भी अगर एक्सचेंज में ले रहा है तो इसको 3000 का डिस्काउंट मिल रहा था एक्सचेंज में, और जितना भी आपका फ़ोन है वो उतना उसमें लेस हो जाएगा, तो उस हिसाब से ही आपका फ़ोन पड़ जाएगा। तो अभी ये जो उसमें लगा हुआ है तो मेरे ख्याल 30,000 तक की रेंज में ये फ़ोन मिल रहा है आपको, अगर आप फ्लिपकार्ट में देखेंगे तो। फ़ोन में अभी तक देखो कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसी हीटिंग इशू नहीं है कि जो मुझे फील हो रहे हैं। और चार्ज करते हैं तब तो थोड़ा सा गर्म होता ही है, वो सारे फ़ोन होते हैं, तो इसमें कोई ऐसे कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अभी तक जो फ़ोन है वो बिल्कुल सही चल रहा है, और इसका फ़ोन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक गेम की बात करें तो गेम इसका एंड टू स्कोर 9.5 लाख से ऊपर है, और इसमें गेम भी मक्खन चलती है गाइस। गेम भी टेस्ट आपको इसमें करा के दिखाएंगे बाद में, और तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और थोड़ा सा इसका लुक पे हम चलते हैं और एक नज़र मारते हैं फ़ोन की लुक पर। गाइस मुझे 10-15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इस फ़ोन को यूज़ करते हुए, तो मुझे अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई है, फ़ोन पूरा एक दिन निकाल देता है।
We'll be right back.